आगे भी जाना चाहिए। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से आपने आज सामना में भी लिखा है, बकायदा जिस तरह से जो राजनीति की जा रही है, जो बयानबाजी हो रही है, बात ऐसी है, राम मंदिर ये राजनीति करने का विषय नहीं है, यह हमारे अस्मिता का विषय है, आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है, हजारों कर सेवक शहीद हुए और बहुत से अज्ञात कर सेवक आज भी शरीरों के नीचे उनको फेंक दिया था गोली मारकर, वो पूरी सरयू लाल हो गई थी उस वक्त, हमने देखी है, वो सब नीचे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं, अयोध्या का लड़ाई जो है वो 2014 से पहले हुई और ये लोग 2014 के बाद की बात करते हैं, तो उन्हें इतिहास के वो लोग गवाह नहीं है। ये लोग ना देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं, ना किसी बड़े आंदोलन में रहे हैं, ना किसी संघर्ष में रहे हैं, तो उन्हें क्या मालूम है राम मंदिर का संघर्ष क्या था और क्या रहा और पूरे देश में उसमें क्या योगदान दिया था, उसमें शिवसेना का क्या योगदान था, बाला साहब ठाकरे जी का क्या योगदान था। हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं है, हम मैदान में रहे डट कर और लड़ते रहे आखिर तक। सर एक आज तस्वीर आपने संपादकीय में छापी जिसमें पीएम साहब दिख रहे हैं और भगवान राम का बालक, ये लोगों का आस्था का विषय, राम सबसे बड़े हैं, राम से बड़े कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना इतिहास 2014 के बाद देश का इतिहास बताते हैं, वो अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़े मानते होंगे, तो ये कोई हिंदुत्व की नई व्याख्या अगर बनाई होगी तो हमें मंजूर नहीं है, देश को मंजूर नहीं। इनके बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी बकायदा कह रहे हैं कि उद्धव जी को राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? राम मंदिर का किसी के बाप का है क्या, कहते हैं आप शकुन मालिक है क्या, आप शकुन तो आप है देश में। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, ईवीएम है इसलिए आप है, जनता आपके साथ नहीं है। बोला का कोण महाजन, मला फक्त प्रमोद महाजन माहिती आहेत, मला फक्त प्रमोद महाजन माहिती आहेत जे शिवसेना भाजपा युतीसाठी शेवटपर्यंत त्यांचं योगदान होतं, बरं का। हा नरेंद्र मोदी हे हिंदुत्ववादांना मान्य आहे का, हे आरएसएसला मान्य आहे का, हे विश्व हिंदू परिषदेला मान्य आहे का, हे त्याने सांगावं ना, रामापेक्षा कोणी मोठं झालंय का या देशामध्ये, हा कोणी नवीन ब्रह्मदेव जन्माला आलाय का, जन्माला घातलाय का, जे अयोध्येच्या रणातून पळून गेले रणछोडदास आणि ज्यांचा भारत 2014 नंतर निर्माण झाला हिंदुस्थान, ते रामापेक्षा किती मोठे झाले। रामाची लढाई हे रामाचं महत्व आणि प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी झाली, त्या मंदिराची लढाई, गर्व से को हिंदू है ही गर्जना बाळासाहेब ठाकरेंच्या मुखातून जेव्हा निघाली तेव्हा या देशामध्ये चैतन्य निर्माण झालं, हे कोणी विसरू नये। शिवसेनेचे योगदान जे विचारतायत त्यांना आमचा प्रश्न आहे, तुम्ही कुठे होता, तुमचे फक्त पळण्याची ठिकाणं लपण्याची ठिकाणं आमच्याकडे आहेत, कुठल्या बिळात तुम्ही कधी लपला होतात हे सगळं आमच्याकडे आहे। स्वातंत्र्य लढ्यापासून तुम्ही कशी माफी मागत आलेला आहात ब्रिटिशांची, हे ब्रिटिशांचे मुखावीर होते सगळे लोक। स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये क्रांतिकारकांच्या विषयी माहिती देणं ब्रिटिशांना, यात हे लोक फार पुढे होते, ते या देशाचे राज्यकर्ते झालेले आहेत, हे दुर्दैव देशाचं आहे। म्हणून त्यांचा इतिहास 2014 नंतरचा आहे आणि आमचा इतिहास प्राचीन आहे, 150 वर्षाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये या देशाला जो संघर्ष केला त्या संघर्षामध्ये हे लोक कुठेच नव्हते। मला आता कुणाची नावं घ्यायची नाही। सर पवार साहब ने काय 24 के चुनाव के लिए गठबंधन का हमारा कोई चेहरा हो ये जरूरी नहीं, बाद में तय कर सकते 77 में, ये बात सही है, कोई चेहरे की जरूरत नहीं। अगर जिस देश में तानाशाही होती है वो तानाशाही के पॉलिटिकल राजनीतिक दल होता है, वो दल अपने तानाशाह का जो चेहरा है वो सामने लाता है। लोकतंत्र में बहुत से चेहरे होते हैं, लोग किसी को भी चुन सकते हैं। थैंक यू। महाविकास आघाड़ी में जो सीट वाटप है प्रत्येक पक्षाला 12 सीट दवा है, आम देखी 12 सीट
द्यायला पाहिजे वंचित बहुजन आघाडीला लोकसभा मतदारसंघात. या ज्या चर्चा आहेत त्या चर्चा वृत्तपत्रातून आम्ही पाहतोय. आमचं असं म्हणणं आहे आणि सगळ्यांना माहिती आहे, प्रकाश आंबेडकर म्हणजे आमचे बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याशी जेव्हा चर्चा होत असते तेव्हा आम्ही त्यांनाही हे सांगतो की जिंकेल त्याची जागा हे आमचं सूत्र आहे, जिंकेल त्याची जागा हे आमचं सूत्र आहे. आमच्या आघाडीमध्ये कोणत्याही महाविकास आघाडीमध्ये जागेवरून ओढाताण नाही, होणार नाही. जागांचं वाटप जे आहे ते निवडून येण्याची क्षमता आणि उत्तम उमेदवार याच्यावरच होईल. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांमध्ये ह्या भूमिकेवर एकमत आहे. राहुल गांधींचंही एकमत आहे, मल्लिकार्जुन खरगे यांचं एकमत आहे, शरद पवार साहेबांचं एकमत आहे, उद्धव ठाकरेंची मान्यता आहे आणि ह्या सूत्रानुसार आम्ही पुढे जात आहोत. वंचित बहुजन आघाडी यांना नरेंद्र मोदी यांच्या हुकुमशाहीविरुद्ध लढायचं आहे. नरेंद्र मोदी हे परत सत्तेत आले तर या देशाला हुकुमशाहीच्या खाली ढकलत जाईल आणि विरोधी पक्षाला तिहारमध्ये बसावं लागेल जाऊन कायमचं. ही प्रकाश आंबेडकर यांची भूमिका ही देशासाठी एक फार मोठा मंत्र आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते नातू आहेत, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं या संविधानाचं महत्व सगळ्यात जास्त त्यांना माहिती आहे, संविधान वाचवण्याचं. चिंता तो देश के गृहमंत्री ने करनी चाहिए ना, जो आज भी चुनाव में व्यस्त है. देश तो चिंता करेगा ही, लेकिन संसद में कोई घुस जाता है उसके ऊपर जवाब नहीं आता है. विदेशी काउंसिलेट के सामने इस प्रकार से धमाका होता है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है. पूंछ में हमारे जवानों के काफिले के ऊपर हमला होता है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है. छत्तीसगढ़ में एक उद्योगपति के लिए जंगल काटे जाते हैं, आदिवासियों के सीने पर बंदूक के तान कर जंगल काटे जाते हैं सरकार बदलने के बाद, उसके ऊपर सरकार कोई बात नहीं करती. तो ये सरकार बात किसके ऊपर करेगी, क्यों करेगी? अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, होने दो, हम स्वागत करेंगे राम मंदिर का, लेकिन ये भी प्रश्न इस देश में है.